संकट की। हिमाचल प्रदेश में सियासी संकट लगातार बरकरार है और सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार अभी भी खतरे में है। आपको बता दें कांग्रेस के बागी विधायक चंडीगढ़ में मौजूद हैं और बागियों से अब तक कांग्रेस की कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी तक दावा कर रहे हैं कि उनके पास बहुमत है और वो इस्तीफा नहीं देंगे, कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी। तो दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और कांग्रेस के बागी विधायकों से कांग्रेस आलाकमान की कोई बातचीत नहीं हुई है। कि मैं ने कहा हम योद्धा है, युद्ध की तरह लड़ाई लड़ते हैं और ये लड़ाई युद्ध की तरह लड़ रहे हैं, हर चुनौती का सामना करते हैं और हम जीतेंगे निश्चित तौर पर। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। जानती है कि जो विधायक थे वो उसमें से कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं और जो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए लोग हैं वो राजनीतिक लाभ भी नहीं उठा पाएंगे, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी, आम आदमी की सरकार है, कर्मचारी की सरकार है और महिलाओं के सम्मान की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का बर्ताव इस सदन में कर रही है वो उचित नहीं है और मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। तो बड़ी खबर, सीएम सुक्खू के लिए मुसीबत सिर्फ वो बागी विधायक नहीं जो चंडीगढ़ में डेरा डाले हुए हैं। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह भी हैं जो मोर्चा खोले हुए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने तो कल ही अपना इस्तीफा भी दे दिया मंत्री पद पर से भी और कांग्रेस से भी। बहरहाल दूसरी तरफ कांग्रेस उनकी अहमियत पार्टी में राज्य में समझ रही है, उनके पारिवारिक विरासत से लेकर पृष्ठभूमि जो रही है सरकार बनाने में अब तक उसके जानकारी के तहत अब कांग्रेस ने कहा है कि हम इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे। सब जानते हैं कि कुछ बातें जब से सरकार बनी है ठीक नहीं चल रही थी, तो हमने ये बार बार अपने हाईकमांड के पास भी और ये बात उनके ध्यानार्थ भी लाई और हम चाहते थे कि वो बैठ कर रेजोल्यूशन इसका निकालते, उनको भी बुलाते, हमें भी बुलाते और इस बात का सोल्यूशन निकाल कर आज हम इस स्थिति पर ना पहुँचते। अब 1 साल से ऊपर हो चुका है, इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया, कोई फैसला नहीं लिया, जिसकी वजह से आज हम इन चीज़ों का सामना कर रहे हैं। फाइनल आउटकम नहीं आता तब तक मैं उसको प्रेस नहीं करूंगा, उस पर इंसिस्ट नहीं करूंगा। तो हिमाचल में जो सियासी संकट कल शुरू हुआ था आज भी वो बादल कांग्रेस पर मंडराते नजर आ रहे हैं। हिमाचल की हर सियासी गतिविधि पर नजर बनाए हमारे सहयोगी मनोज और गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए हम रुक कर लेते हैं दोनों का ही और आज की जानकारी पर उनसे चर्चा करेंगे। मनोज, पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, 6 बागी विधायक अभी भी चंडीगढ़ में डेरा डाले हुए हैं और दूसरी तरफ खबर ये आती है कि कांग्रेस आलाकमान ने संपर्क साधने की कोई कोशिश भी नहीं की है, कांग्रेस आश्वस्त है सरकार बनी रहेगी या गिव अप करने के मूड में? देखिए, जो 6 बागी विधायक हैं कांग्रेस के जो इस वक्त पंचकुला में हैं उनको लेकर एक हम कह सकते हैं उसका एक तोड़ निकाल लिया है कांग्रेस ने, उसको लेकर फैसला रिजर्व कर लिया स्पीकर ने डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर। अगर वो आते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं आते हैं और ऐसे ही बागी तेवर अपनाए रखते हैं तो फिर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और डिस्क्वालीफाई करने की सूरत में कांग्रेस के पास फिर भी बहुमत रहता है, सरकार उनकी बची रहेगी। लेकिन असली लड़ाई सुखविंदर सिंह सुक्खू के चेहरे को लेकर है, क्या वो स्वीकार होगा? लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है, जो जानकारी निकल कर आ रही है कि फिलहाल फौरी तौर पर ये जो सियासी संकट था इसको कंट्रोल करने में जो पार्टी आलाकमान है वो कामयाब रही है। हालांकि 1-to-1 बैठकें हुई हैं अलग अलग विधायकों से, उनकी राय ली गई है, ये रिपोर्ट जाएगी आलाकमान के पास, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। लेकिन लगता है कि ये जो फैसला है बहुत जल्दी अब नहीं होगा, ये 2-3 महीने या लोकसभा चुनाव के बाद भी हो सकता है जी। और देखिए, एक तरफ कांग्रेस को वक्त भी मिल गया है। बहरहाल आप बने रहेगा मनोज हमारे साथ, गौरव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, अभी के जो हालात हैं, देखिए विधानसभा में सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, बजट दूसरी तरफ कल पूरी तरह से पारित कर दिया गया, ऐसे में बीजेपी के 15 विधायकों को निष्कासित कर दिया गया सदन से। थोड़ा कानूनी पहलू भी इसमें समझाएं कि बीजेपी जो सरकार बनाने के फिराक में थी, क्या बीजेपी के पास अब कोई विकल्प है या कांग्रेस को मिल रहा ये टाइम उसके लिए अब बेनिफिशियल साबित होगा, सुक्खू सरकार बचा पाएंगे?
देखिए, कहा जाए तो हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के ऊपर जो संकट था वो कम से कम 3 महीने के लिए टला है, क्योंकि अभी जो सेशन है उसे जो है वो खत्म हो चुका है और अब ऐसे में नया सेशन बुलाने में वक्त है और अगर राज्यपाल चाहेंगे तभी वो निर्देशित कर सकते हैं स्पीकर को कि वो सेशन बुलाया जाए और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाती भी है तो उसके लिए पूरा समय बचा हुआ है, यानी कि वो लोकसभा चुनाव के बाद भी आ सकता है, इतनी कोई जल्दबाजी नहीं है। दूसरा, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जो प्रमुख था वो ये था कि अल्पमत में होने के बावजूद उन्होंने अपने राज्यसभा उम्मीदवार को जिता लिया। अब दूसरा ये कि क्या वो सरकार गिराने में सक्षम होगी, ये कह पाना मुश्किल है। कांग्रेस के पास अभी जो है कहा जाए तो 34 विधायक हैं, वहीं बीजेपी के पास अगर हम जोड़कर चलें तो 28 विधायक, और अगर वो 6 को जोड़ना भी चाहे तो वो संभव नहीं है क्योंकि अयोग्यता की कार्रवाई पर जो फैसला है वो स्पीकर ने सुरक्षित कर लिया, और अगर ऐसे में वो 6 विधायक अयोग्य करार दिए जाते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोटिंग नहीं कर पाएंगे। ऐसे में बहुमत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास कहीं से भी नहीं मिलेगा और सरकार गिराना फिलहाल मुश्किल है। और जिस तरह से लगातार प्रियंका गांधी ने बात की है और मुझे जानकारी ये भी मिल रही है कि जो 6 असंतुष्ट विधायक हैं उनसे भी बात करने की कोशिश हो रही है, और यही वजह की कोशिश हो रही है, लेकिन बातचीत हुई है या नहीं हुई है इस पर सस्पेंस बरकरार है क्योंकि चंडीगढ़ में ये 6 बागी विधायक डेरा डाले हुए हैं। दूसरी तरफ सुक्खू के इस्तीफे को लेकर अब तक जो असमंजस के बादल छाए हुए हैं कि उनसे इस्तीफा मांगा गया है कि नहीं मांगा गया है इस्तीफा, हालांकि उन्होंने कह दिया है मैंने दिया नहीं है। आप दोनों ही हिमाचल की इन सियासी गतिविधियों पर नजर बनाए रखिएगा। मनोज, गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का अब तक की इस पूरी जानकारी के लिए।